हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोक्ट अकेडमी। माय नेम इज़ भानु गुलेरिया एंड वी आर डूइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज थ्रू एमसीक्यू। दिस इज द पार्ट 12 ऑफ द सीरीज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना, द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम। सेकेंड, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इन कन्वर्जेंस विद फंड्स अवेलेबल विद डिफरेंट स्कीम्स इन सेंट्रल शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। गवर्नमेंट स्कीम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवरअप किए हुए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से दोनों अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत सब्सटेंशियल पार्ट प्ले करती है। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी इज द राइट आंसर। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है। ट्राइबल सब स्कीम जो पहले थी उसी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना करा गया है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज के लिए ट्राइबल जो पॉपुलेशन जिन विलेजेस में है वहां पे ये फोकस करती है। डी इज द राइट आंसर। इट एम्स एट मिटिगेटिंग गैप एंड प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इन कन्वर्जेंस विद अ फंड अवेलेबल अंडर डिफरेंट स्कीम्स इन सेंट्रल शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। G20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम कॉम्प्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन दैट वॉज फाउंडेड इन द वेक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007। G20 इज डेजिग्नेटेड एज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। थर्ड, G20 समिट इज हेल्ड एनुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेजिडेंसी। फोर्थ, G20 इनिशियली फोकस्ड लार्जली ऑन ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इशू बट इट वॉज एक्सटेंडेड इट्स एजेंडा टू इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एंटी करप्शन। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्यों है इनकरेक्ट? इट वॉज फाउंडेड आफ्टर द एशियन क्राइसिस ऑफ 1999। ओके, इट वॉज फाउंडेड आफ्टर द एशियन क्राइसिस ऑफ 1999। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। द GST काउंसिल हैज द पावर टू मेक रिकमेंडेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। अ मॉडल GST लॉ, द रेट एट विच टैक्स इज टू बी लेविड, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। अ GST काउंसिल हैज ऑल द पावर। डी इज द राइट आंसर। GST काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन सेवरल डिफरेंट मैटर्स। दिस इंक्लूड अ मॉडल GST लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST and the rate at which tax is to be levied. All are the function and powers of GST Council. Fourth question, consider the following statement. Article 3 of Constitution gives the power Supreme Court of India exclusive jurisdiction to decide on the boundary of state. Second, the State Reorganization Act that was passed in 1956 was based on the finding of Justice Faisal Ali Commission. Which of the above statement is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and nor 2.
अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें दैट इज इनकरेक्ट. अब क्यों है इनकरेक्ट? आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट, नॉट सुप्रीम कोर्ट बट द पार्लियामेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. द आंसर इज बी. न्यूज में क्यों था? कर्नाटका हैज साइटेड दैट आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू आर्ग्यू दैट द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द पावर एंड ज्यूरिस्डिक्शन टू डिसाइड द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट एंड ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू डू सो. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन. द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ की फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द स्टेट्स ऑफ क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग. ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी G7 कंट्रीज, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन डी G20. क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 इज फोकस ऑन G20 कंट्रीज. डी इज द राइट आंसर. क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन कंसाइज ओवरव्यू ऑफ की फैक्ट्स एंड फिगर ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ G20 इन ए कंपैरेटिव स्टॉक टेक इन 2022. द रिपोर्ट स्पेशली हाईलाइट्स द लिंक्स बिटवीन क्लाइमेट एमरजेंसी एंड एनर्जी क्राइसिस. ओके, सिक्स है. PROBA-3 मिशन विच विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड इसरो PSLV इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी. ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी ESA, ऑप्शन सी JAXA, ऑप्शन सी CNSA. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज द राइट आंसर. यूरोपियन स्पेस एजेंसी PROBA-3 मिशन विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड द इसरो PSLV इन 2024. इट्स 2 सैटेलाइट विल स्टडी द सन प्रिंट कोरोना एंड सराउंडिंग एटमोस्फेयर. ओके, सेवंथ क्वेश्चन है. नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज ए फेमस पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन विच कंट्री. ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान. रिसेंटली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को डिसॉल्व करा गया है, तो म्यांमार की ये पार्टी है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय आंग सान सू की हैज बीन डिसॉल्व्ड आफ्टर इट रिफ्यूज टू कंप्लाई विद ए टफ न्यू पार्टी रजिस्ट्रेशन लॉ इम्पोज्ड बाय म्यांमार मिलिट्री. ओके, म्यांमार मिलिट्री के द्वारा जो लॉ इम्पोज करा गया है उसको कंप्लाई नहीं कर पाने की वजह से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है उसको डिसॉल्व करा गया है. एट्थ क्वेश्चन है. विच कंट्री पास्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म टू फोर्स कोल माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज टू मिनिमाइज इमिशन. ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली. तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. सेफगार्ड मैकेनिज्म जो बिल है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया है. ऑस्ट्रेलिया सेफगार्ड मैकेनिज्म विच वॉज पास्ड रिसेंटली बाय द कंट्रीज पार्लियामेंट विल फोर्स कोल माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज टू मिनिमाइज इमिशन बाय अराउंड 4% ईच ईयर. ओके, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो सेफगार्ड मैकेनिज्म बिल है वो किससे रिलेटेड है? कोल माइंस और ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड है, ताकि हमारा जो इमिशंस है वो 4% कम हो सके हर साल ऑस्ट्रेलिया का. नाइन्थ क्वेश्चन. विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड शार्प सॉर्ड एक्साइज. ओके, मिलिट्री एक्साइज से क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया. तो चाइना के साथ ये एक्साइज है, यूनाइटेड शार्प सॉर्ड. ओके, बी इज द राइट आंसर. यूनाइटेड शार्प सॉर्ड इज बीइंग कंडक्टेड बाय पीपल लिबरेशन आर्मी इन ईस्टर्न थिएटर कमांड इन ताइवान स्टेट. इट वुड इन्वॉल्व पुलिस पेट्रोल ड्रिल टू नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ताइवान एंड इन द सी एयर स्पेस ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ताइवान. ताइवान का जो एरिया है उसमें ये चाइना के द्वारा एक्साइज करी गई है. टेंथ क्वेश्चन है. मिर्चा राइस विज
which recently received GI tag is from which state? मिर्चा राइस. एक तरह से ये बहुत ही delicious और nutritious राइस है जिसे GI tag मिला है. ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार. तो बिहार का ये राइस है मिर्चा राइस जिसे GI tag recently provide हुआ है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मिर्चा राइस फ्रॉम बिहार वेस्ट चंपारण रिसेंटली रिसीव्ड द GI tag सिंस द राइस साइज एंड शेप अपीयर्स लाइक ए ब्लैक पेपर इट इज नोन हैज मिर्चा और मार्चा राइस. दिस राइस इज फेमस फॉर अरोमा पैलेटेबिलिटी. अरोमा जैसे इसकी खुशबू के लिए और स्वादिष्ट होने की वजह से ये फेमस है. द कुक्ड राइस इज फ्लफी नॉन स्टिकी स्वीट एंड इजी डाइजेस्टेबल. 11th क्वेश्चन बिहू नाच इज ए डांस फॉर्म प्रिवेंटली प्रैक्टिस इन विच स्टेट. ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी कर्नाटका. तो बिहू हम जानते हैं हमारा जो आसाम है उसका डांस है बिहू नाच. सी इज द राइट आंसर. बिहू नाच इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ रोंगाली बिहू और बुहांग बिहू विच मार्क्स द असामी न्यू ईयर. असम की जो न्यू ईयर है उसके ऊपर ये जो डांस है या उस ओकेजन पे ये डांस किया जाता है. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम इज प्लानिंग टू ब्रिंग 11,140 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू परफॉर्म दिस डांस एट गुवाहाटी सारुसजाई स्टेडियम टू क्रिएट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. ओके 12th क्वेश्चन विच स्टेट एंड यूटी हैज ऑर्गेनाइज द बैसाखी महोत्सव 2023. ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी ओडिशा. ओके तो जो बैसाखी महोत्सव है वो हमारे जम्मू कश्मीर के द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया. बी इज द राइट आंसर. अगर बैसाखी महोत्सव की हम बात करें तो ये हार्वेस्ट वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड इज इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जली बाय सिख कम्युनिटी. सिख कम्युनिटी का जो मेन फेस्टिवल है और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो बैसाखी महोत्सव 2023 के रूप में जम्मू कश्मीर के द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया. 13th क्वेश्चन यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर लॉन्च तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री. ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी युगांडा. तो इसका जो आंसर है युगांडा. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो चेयर मिली है युगांडा को मिली है और उसी में ये जयशंकर के द्वारा तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है. डी इज द राइट आंसर. युगांडा वॉज एंडोर्स टू चेयर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अफ्रीका फॉर द पीरियड ऑफ 2022 to 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री. ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश. ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा शुरू करा गया. अगर आपसे पूछे कि ये स्पेसिफिकली किस बात पे फोकस करता है तो जो CNG गैस है. ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया दैट सीक्स टू टेक CNG compressed natural gas to far flung area. This has helped expand the adoption of cleaner fuels to hinterland. तो clean economy की बात करते हैं हम, clean fuel की बात करते हैं तो CNG के लिए जो project है वो ऊर्जा गंगा pipeline project है. 15th question which institution lays the status of women in agri food system report of option A FAO, option B UNICEF, option C NABARD, option D नीति आयोग. तो FAO के द्वारा ये जो रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट लॉन्च करी गई है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड रिपोर्ट वॉज रिलीज रिसेंटली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एग्रीकल्चर कुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एलिवेट हंगर. अब इस तरह के जो करंट अफेयर है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं लेकिन मेंस के परस्पेक्टिव से आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं.
अब अगर आपसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आई, या अगर आप किसी एसए में या किसी जीएस के क्वेश्चन में ग्लोबल इकोनॉमी में वीमेन का रोल की बात करते हैं, तो आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं कि एफएओ के द्वारा कहा गया है कि अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एग्रीकल्चर में एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी का जो साइज है और हंगर के खिलाफ ये एक इम्पॉर्टेंट वेपन साबित हो सकता है। ये किसने किसके द्वारा कहा गया? एफएओ के द्वारा अपनी इस रिपोर्ट्स में। तो ये करंट अफेयर आप इसी तरह से मेंस में भी यूज कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। 16 क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी ईएसए, ऑप्शन डी रॉकोमोस। ओके, तो जुपिटर मून एक्सप्लोरेशन जो प्रोग्राम है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इज द राइट आंसर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इस मिशन टू जुपिटर्स मून्स। ओके, जुपिटर के जो मून है उनके लिए ये जो जूस प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करा गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। 17 क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो इंडेक्स है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बी इज द राइट आंसर लॉन्च करा गया है। नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। अ न्यू स्टडी हैज रिवील्ड दैट मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज एट रिस्क ऑफ द हीट वेव्स एंड इंडिया हैज बीन अंडर एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन इट्स डेवलपमेंट। जो हीट वेव्स है वो डेवलपमेंट पॉलिसीज में लाने के लिए ये नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है। 18 क्वेश्चन, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट? ऑप्शन ए इंडियन पिनल कोड 1860, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन डी एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट। ओके, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 लाए गए हैं। अब इसमें जो स्टरिलाइजेशन प्रोग्राम है वो शुरू करा गया है। द न्यू रूल्स रिक्वायर द रिस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटीज म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचायत टू कैरी आउट स्टरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स बाय एड्रेसिंग टू द इशू रिगार्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। 19 क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट हैज बीन अलॉटेड टू नेशनल क्वांटम मिशन? 6,000 करोड़ अलॉट करे गए हैं क्वांटम मिशन के लिए। जिस तरह से हम जानते हैं कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है या क्वांटम फिजिक्स है वो आने वाले समय में इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलेंगी, तो क्वांटम मिशन के लिए 6,000 करोड़ गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे गए हैं। वॉज अप्रूव्ड रिसेंटली बाई यूनियन कैबिनेट, इट एम्स टू सीड नर्चर एंड स्केल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएट एन इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी ई एस ए। तो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट हमारी नासा के द्वारा जो एक्सोप्लैनेट की रिसर्च के लिए स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च करी गई है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट इज ए स्पेस टेलीस्कोप फॉर नासा एक्सप्लोरल प्रोग्राम एंड डिजाइन टू सर्च फॉर एक्सो प्लैनेट। ओके, इसी के साथ हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।